इस धरती पर माता पिता की ठुकराई हुई ये पहली संतान है। मेनका विश्वामित्र के प्रेम फल स्वरूप इस बच्ची का जन्म हुआ। अप्सरा की पुत्री होते हुए भी अनाथ हो गई है। शकुंतला किसी कारणवश जन्मी है। एक नए इतिहास का बहुत शीघ्र आरंभ होने वाला है। जय हो दुष्यंत महाराज की। शकुंतला चैत्रिका, स्वप्निका, शकुंतला कहाँ है? इस शांतिपूर्ण तपोवन में मुझे अशांति का आभास हो रहा है। अपने पवित्र प्रेम के लिए वो दुर्वास ऋषि के क्रोध से पीड़ित हुई। शकुंतला, शकुंतला! और कश्यप ऋषि के आशीर्वाद के बीच ऐसी कठिनाइयां झेलनी पड़ी जो धरती माँ के लिए भी कठिन है। लेकिन कर्म का कोई अतीत नहीं होता। इन्हें तो हम पहली बार देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। जो पिता ययाति को अपना यौवन समर्पण करने वाले पुत्र पुरु के वंश में जन्म लेने वाले आप मेरे साथ छल कैसे कर सकते हैं? अब एक और शब्द कहा तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सुरकांता, तुम नर जाति की संकर संतान हो ना, तुझे क्या पता संस्कार? शीघ्र ही असुर लोक का अंत होने वाला है। ये युद्ध अनिवार्य है। माया प्रेम को भुला सकती है, परंतु अभिमान और अपमान को ये माया कभी नहीं भुला सकती। आज से ये आर्षद्वीप भरत महाद्वीप कहलाएगा। साउथ के एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फैंस को सरप्राइज देते हुए मेकर्स ने शाकुंतलम का हिंदी ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जिसे फैन खूब पसंद कर रहे हैं। गुणाशेखर द्वारा लिखित और निर्देशित पौराणिक कहानी पर आधारित इस फिल्म में शानदार VFX साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की भव्यता ने लोगों को बाहुबली की याद दिला दी है। फिल्म शाकुंतलम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ पा चुकी कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। समंथा रुथ प्रभु फिल्म में शाकुंतला का किरदार निभा रही है। वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। बता दें कि शाकुंतलम महाभारत से शकुंतला और राजा दुष्यंत की क्लासिक प्रेम कहानी पर आधारित है। जैसा कि समंथा और देवमोहन ने फिल्म में उनका किरदार निभाया है। ट्रेलर की शुरुआत एक ब्राह्मण द्वारा जंगल में शकुंतला नाम के एक बच्चे के खोजने और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने से होती है। बड़ी होने पर शकुंतला एक खूबसूरत लड़की के रूप में सामने आती है, जिसे जंगल के प्राणी बेहद पसंद करते हैं। पेरू के राजा की भूमिका निभाने वाले देवमोहन को शकुंतला से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब शकुंतला गर्भवती हो जाती है तो राजा दुष्यंत उसे अस्वीकार कर देता है। ट्रेलर में हम शकुंतला को अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता देखते हैं। ट्रेलर में एक भव्य महल नजर आता है जो प्रभास की फिल्म बाहुबली की याद दिलाती है। यह फिल्म 17 फरवरी 2023 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड कितने रुपए की कमाई कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।